हे गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मेनली मैं आपको आपका जो मोस्ट डिमांडेड स्निपेट था, दैट इज एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये तीन चीज से रिलेटेड मैं आपको ये पर्टिकुलर स्निपेट लेके आया हूं, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि दोनों तीनों के इसमें डिफरेंस क्या है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो हमें समझ में आ जाता है कि ऑल टुगेदर डिफरेंट है वर्ल्ड एग्रीमेंट्स का है सेक्शन नंबर 28, लेकिन सेक्शन नंबर 23 में एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में जो दो चीजें, दैट इज स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस, ये दो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो चलिए आइए हम इसको आराम से समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या कौन सी चीज कहता है करके, राइट। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो बात करूंगा वो है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 28 द्वारा। सेक्शन नंबर 28 ये कहता है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कि आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि जहां पे आप उसे रोक रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए। मतलब यहां पे मैं कहना चाहता हूं आपने पहले ही एग्रीमेंट करके रखा है कि ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कल चल के इस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले ऑब्लिगेशन, मतलब ही उसके लीगल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं होते हैं तो हम लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर एनफोर्स कराना चाहते हैं तो हम लोग कहां जाते हैं बेटा, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाते हैं, राइट। तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई भी नहीं जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। सर थोड़ा सा आसान तरीके से अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया, तो चलिए आपको बताता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, देखिए मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिस्टर ए और मिस्टर बी की, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मिस्टर ए बी को देंगे आईफोन और उसके लिए मिस्टर बी पे करेंगे 50,000 रुपए, बराबर, एकदम बराबर सर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब सुनिएगा बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, मतलब यहां पे मिस्टर ए का जो राइट है वो क्या है, 50,000 रुपए पाने का, और मिस्टर ए का जो ऑब्लिगेशन है वो है ये वाला फोन देने का। मिस्टर बी की बात करूं तो मिस्टर बी का राइट है आईफोन पाने का और मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन है 50,000 रुपए देने का। अब मैं बात करता हूं इसी एग्रीमेंट के अंदर ये लोग ये भी डिसाइड कर रहे थे कि इन केस अगर इन दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं होता है तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं जाएगा, कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया या ऐसा जो इन्होंने एग्रीमेंट या ऐसा जो क्लॉज डाला इन्होंने एग्रीमेंट के अंदर, वो एब्सोल्युटली वॉइड है, मतलब वो नॉट एनफोर्सेबल है, मतलब उसका कोई, मतलब क्या बताऊं उसको, उसकी कोई आधुनिक प्रमाणता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो चीज बिल्कुल भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो और न्याय पा सकते हो करके, राइट। तो इस चीज को बोला जाता है एग्रीमेंट इन एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट। अब लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका है ना एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है कि आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि ठीक है मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो मतलब जो बहुत ही मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत ही मतलब न्याय तरीके से एकदम मतलब प्रॉपर जजमेंट दे, मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रॉपर जजमेंट देवे, जिस जो इंडिपेंडेंट पर्सन हो अपने आप में, वो किसी के तरफ ज्यादा झुकाव ना रखे, उस चीज को आर्बिट्रेटर करके ऐसा पर्सन होता है, राइट। तो ये आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होंगे, मतलब आर्बिट्रेटर वाले कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, तो आप डेफिनेटली आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को लेके। क्या आपको ये चीज समझी? तो ये वाली चीज थी एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, दैट इज सेक्शन नंबर 28, जिसी को बोला आता है वॉइड एग्रीमेंट्स के केस में। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे केस या ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हो कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे, वो वॉइड होता है अपने आप में। और दूसरी बात, लेकिन अगर उसमें आप एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आप ये ठीक है आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाओगे, लेकिन आप ये चीज लिखते हो राइटिंग में कोर्ट ऑफ लॉ में ना जाते हुए हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वी से दैट कि ये वाली चीज एब्सोल्युटली करेक्ट होती है, एब्सोल्युटली वैलिड होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस का क्या मतलब होता है करके, आइएगा ध्यान दीजिएगा सुनिएगा बात को, केस लॉ को समझाता हूं, एक एग्जांपल की मदद से आपको केस लॉ को समझाऊंगा तो आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। मैं अगर बात करूं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात करूंगा, मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूं यहां पे, मिस्टर ए का बेटा कोई केस चल रहा है, मिस्टर ए को पकड़ा गया है, कौन से इसमें पकड़े गए, ये ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए, ये ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए, ध्यान दीजिएगा। और ये जज जो है ना, जो जज है,
जज ये इनकी सुनवाई करने वाले हैं, किसके, मिस्टर ए की। अब ध्यान रखिएगा, मिस्टर ए जज से कहते हैं, मिस्टर ए जज से बारिक में कहते हैं बेटा कि अगले हफ्ते इसकी आगे की कार्रवाई अगले हफ्ते की जाएंगी। ऐसा जज बोलते नहीं है क्या? तो मिस्टर ए समझ जाता है कि यार अगर मैं पकड़े गया तो मुझे जेल वगैरह हो जाएंगी। उनको डर लागे बेटा, उनको डर लागे। तो मिस्टर ए निकलते निकलते जज से क्या कहते हैं, जज साहब सुनिए ना, मैं आपको 1 करोड़ रुपये भिजवा दूंगा। जज साहब सुनिए ना, मैं आपसे 1 करोड़ रुपये भिजवा दूंगा, आप एक काम करो, मेरे फेवर में जजमेंट पास कर दो, मेरे को बरी कर दो, मेरे को ये सब इस सारे इससे बरी कर दो, मेरे को है ना एकदम खत्म कर दो यार इस चीज को, प्लीज मत रखो करके। जज साहब कहता है जाता है कि फटके दो करके, जाता है कि फटके दो। ऐसा जज साहब कह रहे बेटा किससे, मिस्टर ए से। अब सुनना, तो मिस्टर ए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए क्या करते हैं, एक डॉन को कहते हैं, एक डॉन भाई को कहते हैं बेटा, क्या भाई को कहते हैं, इसके इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि एक काम कर, तुम जज के यहाँ पे जाओ और जज को भैया सेट करो, जज को सेट करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा मैं नहीं कहा बेटा, मिस्टर ए ने कहा मेरे को कुछ मत बोलना, ठीक है। तो डॉन भाई से कहा आप कैसे भी मनाओ जज को, प्यार से माने तो प्यार से, जैसे माने वैसे मनाओ आप, समझना बात को, आप जैसे मनाना है मनाओ करके। तो डॉन भाई जाते और जज के साथ बेटा क्या करते, जज के साथ एग्रीमेंट करवाते, एक तो मनवाते उनको, या वो मिस्टर ए के साथ एग्रीमेंट सेट करवा देते कि ठीक है जज उनको भैया मिस्टर ए के बिहाफ में ऑर्डर करेंगे और मिस्टर ए उनको पैसे दे देंगे करके। मतलब मैं कहना चाहता हूं आपसे, आइदर डायरेक्टली मिस्टर ए जज को सेट करे या इनडायरेक्ट वे से डॉन के थ्रू वो उसको सेट करे, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। मतलब कल चल के जब सुनवाई की तारीख आएंगी और जज बोल देगा कि नहीं मैं मिस्टर ए को गिल्टी करार कर देता हूं करके, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप ये मत कहना, बेटा क्या मत कहना कि जज ने, देखो जज ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुमको स्यू करूंगा करके। नहीं बेटा, वो जो एग्रीमेंट जज के साथ किया गया था जहां पे आप इंटरफेयर कर रहे थे कोर्स ऑफ जस्टिस में, जो जस्टिस सर्व होने वाला था उसके अंदर आपने इंटरफेयर किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस के अंदर हमेशा एक जुडिशियल ऑफिसर इन्वॉल्व होता है, हमेशा एक जुडिशियल ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। यह चीज आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस के अंदर हमेशा कौन होता है, हमेशा एक ऐसा पर्सन होता है जो कोर्स ऑफ जस्टिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर, आप देख पाओगे यहां पे आपको दिख रहा होगा, इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर, आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को बेटा क्या कर सकते हो, उसके साथ करप्शन करवा के आप अपना डिसीजन चेंज करवा सकते हो। तो इस चीज को बोला जाता है इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस। और अब मैं आखिरी वाले पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, दैट इज स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। कौन से इसके ऊपर आ रहा हूं मैं आ रहा हूं स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर, कि इसका मतलब क्या होता है, स्टिफल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, स्टिफल मतलब जकड़ना प्रोसिक्यूशन को। क्या कहना चाहता हूं मैं, जकड़ना, जो एक नॉर्मल रनिंग इन नॉर्मल कोर्स, जो एक नॉर्मल कोर्स में चल रहा होगा बेटा प्रोसिक्यूशन, उसको किसी ना किसी तरीके से आप जकड़ लेते हो या उसको किसी ना किसी तरीके से आप स्लो करवा देते हो, तो उस चीज को बोला जाता है स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब। उससे पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंग्लिश लॉ से चुराया हुआ नहीं है, ये इंग्लिश लॉ से नहीं चुराया हुआ है कंसेप्ट, पहले बता दूं मैं आपको, ये इंग्लिश लॉ से नहीं चुराया, ये न्यूयॉर्क लॉ का, न्यूयॉर्क कॉमन लॉ का बेटा ये वाला वहां से लिया गया है, इंग्लिश लॉ के अंदर ये प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन का सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मतलब क्या होता है करके इसका, ठीक है। देखिए, जब मैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूं ना आपके साथ, तो इसके अंदर एक जबरदस्त चीज हो जाती है यार, इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त चीज हो जाती है। आइए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को। जैसे देखो, इसके अंदर कहा जाता है कि ऑफेंसेस के दो प्रकार होते हैं, क्या बोला जाता है, ऑफेंसेस के दो प्रकार होते हैं, इसको इंडिया वालों ने मोल्ड किया है, ऑब्वियस सी बात है, ऑफेंसेस के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल और दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल में जनरली क्रिमिनल ऑफेंसेस आते हैं, बेटा मतलब अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि नॉन कंपाउंडेबल मतलब नॉन एडजस्टेबल ऑफेंसेस होते हैं, और कंपाउंडेबल मतलब जो जिसके साथ आप सेटिंग करके एडजस्ट कर सकते हो चीजों को, उसको बोला जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस।
अब सुनिएगा, अब एकदम जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपके कार का एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, तो जिसने कार को ठोका, जिसने कार को ठोका और जो दूसरा इनोसेंट पार्टी है, समझना बात को, ये दोनों चीजें आपस में सेटल करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाई करके, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। पुलिस वाले कहते भी है कि कर लो, अगर तुमको आपस में देखो यार बाहर हो सके तो प्लीज कर लीजिए, अननेसेसरी लॉ में अगर फंस जाओगे लॉ केस में तो तुम दोनों को प्रॉब्लम होंगे करके, बराबर है, क्योंकि वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। लेकिन अगर मिस्टर बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मिसेस बी चाहती है कोर्ट ऑफ लॉ में जाना, तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर ए जाते हैं, मिसेस बी से कहते हैं, मिस्टर ए बाप रे इतना जाड़िया, अच्छा ये वही सोचो एकदम से क्या हो गया। मिस्टर ए जाते हैं मिसेस बी के पास और कहते हैं, सुनिए मैडम देखिए, आप अगर कोर्ट ऑफ लॉ में गए तो आपको भी आपके पति के पास पहुंचवा दूंगा करके, एक काम करो, ये 1 करोड़ रुपए पकड़ो और कोर्ट ऑफ लॉ में मत जाइए करके, समझ रहे बात को। मतलब मैं कहना चाहता हूं, मिस्टर ए ने मिसेस बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर चीज से लेके आप कोर्ट ऑफ लॉ में मत जाइएगा, इसको मैं बोलूंगा स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिसमें आप अपना जुगाड़, जिसमें अगर बोलूं मैं तो जिसमें आप अपना जुगाड़ नहीं लगा सकते हो, तो वो सिचुएशन के अंदर वो स्टिपलिंग, और फिर भी आप उसके लिए एग्रीमेंट करते हो, वो स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जुडिशियल व्यक्ति के साथ जो जस्टिस को सर्व करने वाला है, आप उसके साथ जुगाड़ करते हो, तो वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, अरे भैया वो दूसरे इसमें चले जाता है, मतलब सॉरी कौन सा, वो दूसरे इसमें चले जाता है इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस के अंदर, जो जस्टिस सर्व कर रहा है उसके साथ आपने इंटरफेयर करने की कोशिश की, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बतवा दिया कि नॉर्मल रनिंग कोर्स के अंदर जो मतलब जो चीज हो रही है आप अननेसेसरी उसको स्टिपल करके डिले करवा रहे हो, तो उस चीज को बोला जाता है स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। तो ये तीन चीजें हैं जो मैंने आपको बारे में बता दिया, ये पूरे पूरे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, तो ये सारी चीजें यहां पे कवर हो जाती है, राइट। अगर आपको बेटा अन अकेडमी के थ्रू, एक चीज ध्यान रखना, अन अकेडमी इज द नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यहां पे आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो जितनी बैचेस चलती है अन अकेडमी के ऊपर आप सारी बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। दो तरीके से आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस के ऊपर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, सेम चीज आइकॉनिक के अंदर भी मिलती है। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स, टेस्ट एनालिसिस और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। चाहे प्लस हो या आइकॉनिक, आपने कोड यूज करना है आईजी सर करके, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है, और एजुकेटर के कोड यूज करने पर आपको अपने अलग फायदे होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे एक और सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी आती है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहां पे फाउंडेशन और इंटर, समझना पूरा फाउंडेशन पूरा इंटर मात्र 30,000 रुपए में, 30,000 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 28,800 में बेटा आफ्टर यूजिंग माय कोड आपको क्या मिल जाता है, 28,800 में आप पूरा फाउंडेशन और इंटर कर सकते, बताइए और जीने को क्या चाहिए। सर 24 महीने के लिए जितनी बैचेस आएंगे फाउंडेशन की या इंटर की आप सारी चीजें कर पाओगे, आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगा, आप जितना चाहे उतना देख सकते हो, पेनड्राइव जैसा यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, पेनड्राइव में जैसे 1.5x तक आप देख सकते, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना चाहे उतना देखो, फोन में ताकत, शरीर में ताकत और फोन में बैटरी और मोबाइल में डेटा होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा भैया कि आप देख सकते हो करके, राइट। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो आइकॉनिक का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आइकॉनिक में क्या क्या चीजें मिलती है, तो 24 और 12 मंथ्स का भी कॉम्बो अवेलेबल होता है, जिसमें आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स, टेस्ट आपके लिए दी जाती है और बहुत सारी चीजें की जाती है। आप अन अकेडमी का कॉम्बैट भी होते रहता है एवरी संडे, और अगर मैं बात करूं, मुझे अगर आपने अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर अब तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिएगा, लेक्चर को लाइक जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब जब मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जरूर से मुझे बताइए आपको कौन सा चाहिए बेटा अगला, कौन सा अगला ये स्निपेट चाहिए, जो टॉपिक आपको कंफ्यूज होता है, मैं आप लोगों के लिए स्निपेट लेके आऊंगा पक्के से, राइट। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोड यूज करते रहिएगा इंद्रेश या आईजी सर जो आपको ठीक लगे, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।